न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पे आया मोहम्मद शमी का तूफान। दोस्तों मोहम्मद शमी ने पहले तो गेंदबाजी में 2 विकेट चटकाए और दोस्तों भारतीय टीम को बल्लेबाजी में आखिरी 6 गेंदों पे चाहिए थे 21 रन। मोहम्मद शमी ने लगातार 6 चौके लगा दिए 20वें ओवर में और हारा हुआ मुकाबला टीम इंडिया को जिताया। आप भी देखना चाहते हो मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी और बल्लेबाजी का वीडियो, इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वार्म अप मुकाबले में 6 रन के बड़े अंतर से राउंड डाला था और अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच में दूसरा वार्म अप मुकाबला स्टार्ट हुआ, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन बनाए 7 विकेट खोने के बाद 20 ओवर में, जिसमें कप्तान केन विलियमसन ने 75 रन की नाबाद पारी खेल डाली 49 गेंदों में। डैरल मिचेल ने 35 रन लगाए और मार्टिन गप्टिल को मोहम्मद शमी ने 15 रन पे आउट करवा दिया हर्षल पटेल के हाथों और मोहम्मद शमी ने 2 विकेट चटकाई। भारतीय टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पे आई तो रोहित शर्मा 15 रन पे आउट हो गए और केएल राहुल 25 रन बना करके पवेलियन लौट गए और उसके बाद सूर्य कुमार यादव से उम्मीद थी, मगर सूर्य अभी 5 रन पे आउट हो गए। हालांकि हार्दिक पांड्या ने 57 रन की पारी खेली 40 गेंदों में, मगर दोस्तों आखिरी 6 गेंदों में जीत के लिए चाहिए थे भारतीय टीम को 21 रन। मगर दोस्तों फिर मोहम्मद शमी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद नहीं थी। शमी ने टीम सऊदी की आखिरी ओवर में 6 चौके लगा दिए लगातार और हारा हुआ मुकाबला जिता दिया।